यू, शुक्रिया। गोविंदा जी हमारे बीच बॉलीवुड के स्टार नंबर वन, और मैं रूपाली दास जी को आमंत्रित करूंगा कि गोविंदा जी का आप स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो। आप आए रास्ते आईने खाने हो गए, आप आए रास्ते आईने खाने हो गए, रात रोशन हो गई, दिन भी सुहाने हो गए। हीरो नंबर वन दूल्हे राजा, जितने भी शब्द गोविंदा जी के लिए कहे जाए बहुत कम है सर। आइए मैडम। विशाल दास जी से भी अनुरोध है कि सर आप मंच पर आएंगे और गोविंदा जी का स्वागत करेंगे। ये झारसुगड़ा के लिए एक ऐतिहासिक पल है और नवादास फाउंडेशन की तरफ से गोविंदा जी को स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और उसके बाद आज हमारे यहाँ जो एसएससी ग्रुप लगा था एक शो, उसमें झाड़ू बनाने के लिए जो एसएससी ग्रुप था, सूरती मुंडा मुंडा मान लपंगा, सूरती मुंडा मैं स्टॉल नंबर 45 और दीपा बारी लखनपुर उन्नीसखंड मोंजा के स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन, दीपा बारी मृत्युर मोक्ष्य मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। ये धरती, इसे मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। लोग किसे किसे खाना खिलाते हैं तो सोचते हैं कमाल कर दिया। ये धरती, ये ऐसी विश्व आत्मा है, ये पूरे विश्व में खाना खिलाती है। जगन्नाथपुरी की ऐसी कृपा है कि पूरे विश्व में खाना मिलता है। जो जो है, जहाँ जहाँ है, जैसा है, वो जगन्नाथ जी का ही बच्चा है। हम पे वर्षानुवर्ष यहाँ की कृपा रही। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। दीपा दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पॉलिटिक्स से निकल गया हूं इसलिए स्पीच नहीं देता हूं। दीपाली दास जी कहां है आप? आज यहां पे बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं तो मुझे पता लगा। मैं कहा मैं अवश्य यहाँ पे आऊँगा और मैं खास तौर पे धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से मैं ऐसे लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूँ। वर्षानुवर्ष हो गए, ये प्रेम वैसे ही है। धन्यवाद है आप लोग का बहुत बहुत।
अभी ज्यादा डायलॉग नहीं मारूंगा, थोड़ा सा हिल हिला कर निकल दूंगा। अच्छा है राइट है, ये सब म्यूजिशियन लोग कहाँ गए यार? अच्छा हम लोग ये लोग के बिना ही हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं, करें दिल है। ऑलराइट, मैं केवल, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का आशीर्वाद से बढ़कर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है कहीं भी। हम जो है मुझ जैसा सर्वसाधारण बहुत ही अनपढ़, गोविंद से गोविंदा हो गया मात्र कृपा के वजह से। ये माता की कृपा है, सदैव बरकरार रहे, कभी किसी की तकलीफ ना आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और बिना प्लानिंग के मैं 14 साल सुपर हिट रहा हूँ, 14 साल तक मैं सुपर हिट रहा हूँ बिना किसी प्लानिंग के। मैं आया, आते ही मैंने 3-4 हिट मार दी, लाजा बाबू हसीन मान जाएगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ साजन चले ससुराल। 14 साल तक सुपर हिट पिक्चरें रही, आप लोग की ऐसी मुझ पे कृपा रही, इसीलिए मैं कहीं जाया करता हूँ। भले मैं परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, फिर भी मैं थोड़ा डांस और गाना कर ही देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिला है आप ही लोग की वजह से मिला है, तो डांस गाना तो चाहिए भैया, क्या है यहाँ पर? एक तो मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं गा देता हूँ क्योंकि इस समय के लिए मुझे लगता है वो करेक्ट है। सपनों में आए गोरी तेरे नैना, सपनों में आए नींद नहीं आए, नींद नहीं तेरे नैना। ये मैं नैना देवी गया था, वहीं पे लिखा, वहीं पे मैंने ये गीत तैयार भी किया, और ये खास यहाँ पे आज इस समय के लिए ये सही था क्योंकि ये वातावरण ही सपनों की तरह है। मुझे तो पूरा ओडिशा ही सपना ही लगता है। आई लव ओडिशा, मुझे बहुत प्रेम मिला वर्षानुवर्ष यहाँ पे, मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए अब वो गाने करते हैं जो मैं करके गोविंदा हो गया, है कि नहीं? लाल दुपट्ट वाली तेरा नाम तो बता, ए काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता तेरा नाम तो बता, के तेरा नाम तो बता। तेरा नाम तो बता,
गाना गा लेता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है। दो चार सेकंड लगा दूंगा, पर मुझे गाने का वर्डिंग नहीं पता होता तो मैं डांस
आसान महसूस। वो हम सब सिखा देंगे, क्या बोल रहे हो? पिक्चर भी दिखा दो ना, पिक्चर भी दिखा देंगे क्या सर? यहाँ से आगे जा रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव आया बचपन में, मेरे बालों से लेकर कपड़े पहनने से लेकर डांस करने से लेकर सारे चीज़ों में गोविंदा जी का बहुत बड़ा हाथ है। और एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है आज वो मंच पर है, तो मैं ये चार लाइनें आपको सुना रहा हूँ। कुछ अच्छा, हाँ कुछ अच्छा। जब दिल लगे